तो खुशबूदार मटर पुलाव को बनाने के लिए मैंने वेसल के अंदर तकरीबन हाफ कप के बराबर देखिए ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज की प्याजें जिसको मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है स्लाइस में। अब इस प्याज को हम हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के बाद में इसमें खड़े गर्म मसाले भी ऐड करेंगे, पहले हम थोड़ा सा प्याज को ही फ्राई कर लेंगे। तो खड़े गरम मसाले में मैंने यहाँ पर एक स्टार अनीज लिया है, एक बड़ी वाली इलायची ली है, इसका मैंने मुंह खोल लिया, थोड़ा सा इसको कोट लिया है ताकि इसकी जो खुशबू है पूरे ऑयल के अंदर अच्छे से रिलीज़ हो जाए। 5 हमने छोटी इलायची ली है, तकरीबन 8 से 10 हमने लौंग ले ली है, 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्चें ली हैं ये ऐड कर लेंगे, एक बड़ा सा पीस है हमारे पास में सिनेमन का ये ऐड करेंगे, छोटा सा पीस हमने यहाँ पर लिया है जावित्री का, साथ ही हमने 2 बेलीफ ले लिए हैं इसे मैंने तोड़ भी लिया है, साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा। तो इन मसालों के साथ में ही ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार और खिला खिला बनकर तैयार होता है। मसालों का जो फ्रेगनेंस है इस पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, ख़ास तौर से जब ये सर्दियाँ होती हैं इस पुलाव को खाया जाता है, लोग बिरयानी की तरह इसको चाव से खाते हैं। तो आप इसे आसानी से घर में बनाएं अपनी फैमिली के साथ में तो सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो प्याज को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, प्याज में हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा। अब इसमें हम एक बड़े साइज़ का आलू जिसको मैंने मोटे साइज़ में ही चॉप करके रखा है वो ऐड कर दिया। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऊपर तक भरकर, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून ऊपर तक भरकर ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे ताकि आलू हल्का सा गलने लगे हमारा। तो 1 से 1.5 मिनट ही हम इसको फ्राई करेंगे, बाकी और चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे। मटर पुलाव में अक्सर आलू और बीन्स का यूज़ होता है तो मैं आज आलू के साथ में इसको बनाने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो इसमें मैंने 3 लाल सूख वाली मिर्चें ले ली हैं सूखी, इसको हम तोड़ के बीच से इस तरीके से डाल देंगे, साथ ही इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने इस तरीके से बीच में से हल्का सा चीरा लगा दिया है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं उसको सोख करके रखा हुआ है, तो एक बाउल भरकर मैं इसके अंदर मटर ऐड कर रही हूँ। मटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जब मटर पुलाव बना रहे हैं आप तो मटर इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में होनी चाहिए तो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। इसी के साथ साथ मैंने तकरीबन 1/2 बाउल के बराबर ले ली है यहाँ पर ग्रीन बीन्स बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसमें मैंने ऐड कर दी। अब ये सारी चीज़ों को हम फ्राई करते रहेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, उसके बाद में और चीज़ें ऐड करेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इन सभी चीज़ों को फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें गरम मसाले की। इसमें हम तकरीबन 150 ग्राम के बराबर इसमें दही मैंने ऐड कर लिया है, अच्छी तरीके से मैंने इसको बीट कर लिया, इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमें इसमें दही इसलिए ऐड करना है क्योंकि पुलाव का कलर जो होता है वो वाइट होता है, अगर आप इसमें कलरफुल बनाना चाहते हैं या हल्दी डालना चाहते हैं तो फिर इसमें टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टमाटर भी डालूंगी लेकिन अभी नहीं डालूंगी क्योंकि इससे फिर कलर ख़राब हो जाता है। इसमें 2 टीस्पून के बराबर हम सॉल्ट ऐड लेंगे, सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं क्योंकि दही हमने इसमें अभी अभी ऐड किया है, दही का काफ़ी ज़्यादा पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो हमें क्या करना है कि इसे हम कवर कर देंगे और इसे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। जब तक पका लेंगे, जब तक दही का पानी बिल्कुल खुशक होता है तब तक हमारी सारी जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं, बीन्स हैं, आलू हैं और सारी चीज़ें, ये हल्के हल्के से गलने लगेंगी, तकरीबन ये 40% गल जाएंगी। तो सब्जियों को पकते हुए हमारे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी हमारी हाफ डन हो चुकी है, ये देखिए मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा आसानी से टूट गया है। जब आलू हमारा बिल्कुल गल गया है तो और सारी चीज़ें भी हमारी गल चुकी हैं। तो अब इसके अंदर हम 500 ग्राम के बराबर चावल ऐड कर देंगे, ये मैंने सोक करके रखे हुए थे, ये मैंने कच्चा बासमती चावल यूज़ किया है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, चाहे आप दावत का ले लें या फिर आप लूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे, इस तरह से हल्के हाथों इसमें चम्मच चलाएंगे क्योंकि चावल हमारे सोख हैं, टूट सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, बिल्कुल मोटा मोटा सा, ये देखें। तो देखिए चावल को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर लिया है, चम्मच चला ली थी 1-2 दफ़ा मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने चावल जो लिए थे वो 2.5 कप चावल थे हमारे, इसमें मैंने 4 कप पानी ले लिया है। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, चेक करेंगे और इसमें नमक वगैरह अगर आपको कम लगे तो इसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो टमाटर हमारे बिल्कुल साबुत रहने चाहिए जैसे ये दिख रहे हैं, जितने भी गलेंगे वो पक जाएंगे लेकिन साबुत ही रहेंगे, इससे क्या होगा कि पुलाव का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा।
तो पानी हमारा इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें नमक वगैरह चेक कर लें, अगर आपके मुताबिक ना हो तो ऐड कर सकते हैं। हम इसे कवर करेंगे और इतना पका लेंगे कि जो पानी है हमारा एकदम से खुशक हो जाए। तो मटर चावल के अंदर से पानी हमारा खुशक होने लगा है, बिल्कुल हल्का सा पानी नीचे की साइड में दिख रहा है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए चावल ने अपनी लेंथ निकाल ली है, चावल अच्छे लंबे लंबे हो गए हैं। हमें क्या करना है कि अब इसके नीचे वैसल के नीचे अब हम हैवी तवा लगा देंगे ताकि चावल हमारे नीचे से जले नहीं। वैसल के नीचे मैंने हैवी तवा लगा दिया है। एक मिनट के बाद में हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि चावल एकदम नरम हो जाए। तो मटर पुलाव को पकते हुए तकरीबन हमारे 10 मिनट और हो गए हैं। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, चावल ऊपर की साइड में खड़े हो गए हैं, इससे यही लग रहा है कि चावल बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है देखने में। आप ये देखिए कितने ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देखिए चावल हमारे एकदम से खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही बढ़िया पुलाव हमारा बना है। ऐसे ही चावल हमें चाहिए होते हैं, ये देखिए एकदम से खिले खिले पुलाव बनकर तैयार हो और गर्मा गर्म हो तो मज़ा ही आ जाता है। आप इसको चटनी के साथ में, रायते के साथ में सर्व करेंगे तो फैमिली एंजॉय करेगी बहुत ही ज्यादा। तो इस मजेदार मटर पुलाव की रेसिपी या फिर सब्जियों वाले पुलाव की रेसिपी आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, फैमिली को खुश कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार रेसिपी है और बनाने में भी आपने देखा कि इसको हमने कितने आसान तरीके से बनाया है। मैंने इसमें कोई मसाला वगैरह भी ना तो ऊपर से बनाया है और ना ही इसके अंदर ऐड किया है, तो फिर भी ये पुलाव बहुत ही ज्यादा खिला खिला है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ।